हमारे पास जो आईज है वो है हुडेड आईज, छोटी आईज है, बहुत ही छोटी, और छोटी आई में जो है स्मोकी मेकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे क्रीज पर इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो सबसे डार्कर शेड है ना उसको यहाँ पर डिपॉजिट किया है, ठीक है। सो ये आई मेकअप मैंने 14 फरवरी को डेडिकेट किया है, जिस दिन वैलेंटाइन डे एंड ब्लैक डे फॉर इंडिया आता है, तो ये आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डे मनाना है इस दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेड आई मेकअप, जो कि वैलेंटाइन डे का कलर होता है, वैलेंटाइन डे को लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वैलेंटाइन डे मत मनाइए, मैंने दो आई में जो है दोनों डे को डेडिकेट किया है, एक वैलेंटाइन डे एंड ब्लैक डे फॉर इंडिया, 14 फरवरी को ही दोनों आते हैं। और जिस आप लोग को जो सही लगता है आप लोग वो आई लुक क्रिएट कीजिए, जस्ट अ आई मेकअप, ठीक है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई इशू की बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आई को मॉइस्चराइज करूँगी मैं इस तरीके से, एंड मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आई के जो अंडर आई एरिया वाला पार्ट होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस थी, इनकी इस वजह से मैंने मॉइस्चराइज किया है। इसके बाद मैं जो है बेस बनाऊँगी। मोस्टली मैं पहले आई मेकअप में आईब्रोज को जो है डिफाइन करती हूँ, बट आज मैं जो है बेस बनाऊंगी, आई बेस बनाऊंगी, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप लोग कर सकते हो, जिस तरीके में आपका हाथ कंफर्टेबल है, ठीक है, इस तरीके से। और लोअर लैश लाइन में, अंडर आई एरिया में भी मैं बेस बनाऊंगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाया था, ठीक है। अगर फेस पे बेस होता तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए हमारे पास जो आईज़ है वो है हुडेड आईज़, छोटी आईज़ हैं, बहुत ही छोटी, और छोटी आई में जो है स्मोकी मेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के मेकअप में मैं कम्प्लीट सिखाऊंगी आपको ये सारा, ठीक है। जो आपके आई शेडो पैलेट में रेड मरून कलर का डार्क कलर है उसको जो है हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे क्रीज पर इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो सबसे डार्कर शेड है ना उसको यहाँ पर डिपॉजिट किया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम जो है एक दूसरा ब्रश लेंगे, इसी ब्रश को नहीं लेंगे जिससे हमने रेड कलर डिपॉजिट किया है, ठीक है, दूसरा क्लीन ब्रश लेंगे और उस पर जो है हल्का रेडिश कलर अप्लाई करेंगे, बहुत हल्का सा, या फिर चाहो तो आप ऑरेंज कलर उसमें ले सकते हो। और इसकी जो आउटर है ना, ये जो डिपॉजिट किया था इसका जो आउटर है उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करते 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 उसको हल्का सा बाहर की साइड ले जाना है। ब्रश आपका जितना छोटा होगा उतना ही जो है क्लीन मेकअप होगा, और बाहर की तरफ ले जाते हुए इसको करना है, एक शेडो क्रिएट हो जाता है फिर, ठीक है। स्मोकी आई मेकअप करने का ये बहुत ही इजी तरीका है हुडेड आईज में, आपको जो है डेप्थ का पता चलता रहेगा कि कहां पर क्रीज लाइन है और जो मेकअप है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम जो है स्मोकी आई मेकअप करते हैं तो वो पूरा ही रेड हो जाता है, ठीक है। अब देखो बाहर की तरफ हल्का सा ऑरेंजिश लुक आ रहा है जो, और ये देख सकते हो थोड़ा सा मैंने और लिया है ताकि एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। एक ही कलर फैमिली के जो दो तीन कलर होते हैं उनको जब हम आपस में कॉम्बिनेशन बिठाते हैं आई मेकअप करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे, क्रीज लाइन को देखिए इस तरीके से, जो हमारी लिड है लिड को जो है थोड़ा सा डार्क शेड यहाँ पर और लेंगे, क्योंकि ब्लेंड करते करते शेड जो है हल्के हो जाते हैं, तो वापस हम जो है यहां पर शेड और डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आईब्रोज को फिल करेंगे। आप चाहो तो पहले भी कर सकते थे एंड आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बस टेक्निक सिखा रही हूँ, प्रोडक्ट जो है आप अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से देखिए आईब्रो की शेप बना ली, और इनर कॉर्नर से आपके आईब्रो की जो शेप होती है वो नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ब्रो बोन को हाईलाइट कर देंगे हम इस तरीके से, एंड ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैट लुक थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, अगर आपको मैट रखना है तो रख सकते हो। फिर मैंने इसमें हल्का सा रेड कलर का शिमर लगा दिया है, जिससे कि मुझे ये अच्छा लगा शिमर लगाने के बाद, ठीक है। अगर आपको मैट पसंद है तो आप मैट भी कर सकते हो, मैट में जो है फिर अगर आपका मेकअप उतना ही इनफ है तो ठीक है, उसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नाइट वाइट में है तो शिमर लगाओ उसके बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे फॉल्स आईलेसेस अप्लाई, और फॉल्स आईलेसेस जो होती है स्मोकी आई में थोड़ा सा मतलब हैवी अच्छी लगती हैं। आईलेसेस आप जो है पहले मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद जो है उसको कट करके उसके बाद फिर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेड कलर का तो हो गया है, वैलेंटाइन डे का आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम ब्लैक डे फॉर इंडिया, ठीक है, जो कि 14 फरवरी का जो दिन था वो इंडिया के लिए एक
काला दिन ही साबित हुआ है, तो इसलिए हम एक आई पे इस आई का मेकअप जो है ब्लैक डे को डेडिकेट करेंगे। बेस बना लिया है, इसके बाद क्या करेंगे, ब्लैक कलर का एक शेड लेंगे। आज मैं जेल लाइनर से नहीं करूँगी, आज मैं नॉर्मल आई शेडो से ही करूँगी, ठीक है। आई शेडो लेंगे एक छोटे ब्रश में, देख सकते हो आप ब्रश देखो कैसा है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। एंड ब्लैक कलर जब आप यूज़ करते हो ना तो थोड़ा सा सावधानी से, ब्लैक कलर जब फैलता है ना तो फिर हटता नहीं है। अब इसके बाद मर्ज करने के लिए इसको हम क्या लेंगे, ब्राउन लेंगे। जैसे हमने उस साइड ऑरेंज कलर लिया था ना रेड को मर्ज करने के लिए, वैसे हम यहाँ पर ब्राउन कलर का शेड लेंगे और फिर इसको आउटर पे ऐसे मर्ज करते रहेंगे, ठीक है। अगर ब्लैक ही लोगे मर्ज करने के लिए तो वो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक करते 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 पूरी आंख ब्लैक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने मर्ज कर दिया तो वापस इसमें ब्लैक डिपॉजिट कर दो, हल्का हल्का सा जहाँ पर आपको लग रहा है, ठीक है। ब्लैक को बहुत ज़्यादा मत फैलाओ। अब आउटर पे जब तक आपको लगता है कि नीड है तब तक आप वर्क करते रहो, ब्राउन की मर्जिंग करते रहो। मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्मोकी आई मेकअप में, ठीक है। ये देख सकते हो बीच बीच में अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा जहाँ पर कलर ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर उसको थोड़ा हल्का कर रही हूँ। अब इसमें मैंने हल्का सा सिमर डाला है, सिल्वर कलर का सिमर मैं इसमें जो है लगा रही थी, बट इसका थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश लुक आ गया। और यहाँ पर सिमर लगाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ब्लेंडिंग मुझे और करनी चाहिए, तो वो मैंने कर दी। वर्क आप तब तक करते रहो जब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन ना हो, कि क्योंकि आप तो ऊपर से देख रहे हो ना वो काम कैसा हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट तो जब देखेगा तब देखेगा, उससे पहले आप ही देख रहे हो। इसके बाद आईब्रोज को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। एंड ब्रशेस का जो होता है काफ़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके मेकअप में, ठीक है। अब तो ब्रश आप कौन सा चूज करते हो, कौन से वर्क के लिए, आपको ब्रशेस का नॉलेज है भी या नहीं है, ऊपर से आप कौन से ब्रश के साथ कंफर्टेबल हो, ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप अपना वर्क अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस टूल के साथ जिस प्रोडक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो उसी से काम करो। दूसरा, अगर बड़े ब्रशेस से काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी बड़े ही ब्रशेस से करोगे। दूसरा, आपको टेक्निक सिखाता है, ये चीज़ आपको खुद देखनी है कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैंने ब्रोबोन को जो है इसके बाद कंसील किया है हल्का सा, ठीक है। इसके बाद देखो शिमर की मैं बात कर रही थी ना, तो ये सिल्वर कलर का है, बट यहाँ पर देखो काफ़ी प्यारा सा कलर जो है, होता है कई बार कलर जो है आपस में मिक्स एंड मर्ज होके एक नया कलर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए हम आईलैशेस को फिक्स करेंगे इस तरीके से। एंड आईलैशेस फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, मश्कारा की कोटिंग करेंगे। आप चाहो तो एक बार पहले भी कर सकते हो एंड बाद में एक साथ भी कर सकते हो। ब्रोबोन को हाईलाइट कर दिया है इस तरीके से, एंड इसके बाद जो है मस्कारा की कोटिंग होगी। और मस्कारा मैं यहाँ पे देखो मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ। और जो ये ग्लू है ना, ग्लू को जो है, अगर आपका ग्लू ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो इसमें आप जो है आई शेडो लगा सकते हो या फिर लाइनर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। वैसे थोड़ी देर बाद ये हो जाता है, ठीक है। देखो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, इसका ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप ब्लैक कलर का ग्लू जो है खरीद सकते हो, ठीक है। देखो मस्कारा इस तरीके से कोटिंग करूंगी मैं। अगर आपके आई शेडोज अच्छे हैं ना तो आप जैसे ऐसे फिंगर रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड ये रहे फाइनल लुक। तो चलिए बताइए, अगर आप वैलेंटाइन डे वाले हो तो रेड हार्ट कमेंट कीजिए, एंड अगर पुलवामा अटैक को श्रद्धांजलि देते हो तो ब्लैक हार्ट कमेंट कीजिए। और आपको ये आई मेकअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं अगले नए ट्यूटोरियल के साथ।